Hey guys, welcome back to Sonam Sir. I hope you all are doing great. So in today's video, I am going to share one of my favorite veg starter recipe with you all. So आज मैं बनाने जा रही हूँ सोयाबीन के शामी कबाब, जो कि बहुत ही ज़्यादा tasty होती है guys. So let's start with the cooking process. So सोयाबीन के शामी कबाब बनाने के लिए हम लोग को सोया चंक चाहिए, जिसको मैंने ऑलरेडी बॉयल कर लिया था. उसके बाद सोयाबीन से सारी पानी मैंने निचोड़ ली थी. अभी मैं ये ब्लेंडर में जितनी सारी सोया चंक है इसको मैं डाल लूँगी. उसके बाद मैं इसकी अच्छे से पेस्ट रेडी कर लूँगी. सो मेक श्योर गाइस, ये जो सोया चंक है ये बहुत ही अच्छे से पेस्ट बन के रेडी हो जाए, क्योंकि इसमें थोड़ी भी सोया लम्स रहेगी तो, और वो अगर कबाब में आ गई तो टेस्ट अच्छी नहीं लगेगी. सो ये रही पेस्ट हम लोग की रेडी है. अभी मैं इसमें थोड़ी ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ. थोड़ी सी अनियन मैं ऐड कर रही हूँ. और जिंजर गार्लिक की पेस्ट, ये सब ऐड करके मैं इसको और एक बार ग्राइंड कर लूँगी. अगर आप लोग चाहो तो जिंजर गार्लिक और अनियन की पेस्ट पहले से अलग से भी लाइक रेडी कर सकते हो, उसके बाद इसमें ऐड कर सकते हैं. सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू. ये रही ये पेस्ट जो है बनके तैयार है. बहुत ही स्मूथ पेस्ट बनी है. अभी बाकी सारी जो इंग्रेडिएंट्स है इसमें ऐड कर लेंगे. सो मैंने यहाँ पे अनियन ऐड कर लिया है. अभी मैं इसमें थोड़ी लेमन जूस ऐड करूँगी. कबाब ऑलवेज थोड़ा चटपटा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि लेमन जूस थोड़ा ज़्यादा करके ऐड करना. अगर आप लोगों को खट्टा उतनी ज़्यादा पसंद ना हो तो आप लोग थोड़ी कम भी ऐड कर सकते हैं. अभी मैंने धनिया पत्ता ऑलरेडी चॉप करके रखी हुई थी, मैं वो भी इसमें ऐड कर दी. ये सारे मसाले मैं ऐड कर रही हूँ. यहाँ पे मैंने सॉल्ट ले ली है, धनिया, ज़ीरा, लाल मिर्च, चाट मसाला और गरम मसाला की पाउडर ले ली है. ये सारे इसमें ऐड कर दी है. सो ये सारी बेसिक मसाले हैं जो किचन में ऑलवेज अवेलेबल रहती है. बेसन ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं कबाब बना रही हूँ. सो कबाब में बेसन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इससे कबाब की टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है. अभी मैं थोड़ी सी इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ. इसको अच्छे से मिला लेना है सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ. सो ये रही, ये रेडी है. अभी इसको कबाब बना लेंगे. चलिए जल्दी से. तो मैंने हाथ में थोड़ी सी तेल रब कर ली थी, उसके बाद मैं शामी कबाब के शेप में ये सारे को कन्वर्ट कर लूँगी. ये कबाब खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है. अगर आप लोग वेजिटेरियन हो तो डेफिनेटली इसको ट्राई करें, और अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन हो मेरी तरह तब भी आप इसको ट्राई करें. ट्रस्ट मी गाइस, ये कोई भी एंगल से खाने में ये चिकन कबाब से कोई भी लेस नहीं लगता है. सो डेफिनेटली गाइस आप लोग इसको बनाइए, एंड आई एम प्रिटी मच श्योर आप लोग को बहुत ही अच्छी अच्छी कॉम्प्लीमेंट मिलेगी. ये रही सारे शामी कबाब फ्राई होने के पहले रेडी है. अभी फ्राई होने के पहले मैं इसको फ्रीज में रख के हाफ एन आवर तक मैं फ्रीज में रख दूँगी. हाफ एन आवर बाद मैंने फ्रीज़र से इसको निकाल लिया है, और मैंने पैन में तेल ऑलरेडी दे दी थी और तेल अच्छे से गर्म भी होगी. अभी एक एक करके कबाब इसमें डाल देंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे बोथ साइड. सो आई एम यूजिंग रिफाइंड ऑयल.
एंड मेक श्योर गाइस ये पैन को आप लोग ज़्यादा ओवर क्राउड मत करना, नहीं तो फ्राई करने में दिक्कत होगी। ऊपर से मैं बटर ऐड कर रही हूँ, बोथ साइड में मैं बटर ऐड नहीं करूँगी, मैं एक ही साइड बटर ऐड कर रही हूँ क्योंकि इससे जो कबाब है कबाब में बहुत ही अच्छे से मॉइस्चर आएगी। सो इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल, अगर आप लोग चाहो तो बटर नहीं भी ऐड कर सकते हो। अभी पैन को मैंने कवर कर लिया है, उसके बाद एक बोथ साइड को अच्छे से फ्राई कर लेनी है। सो आप लोग देख सकते हैं एक साइड ऑलरेडी फ्राई हो गई, अभी मैंने फ्लिप करके दूसरी साइड भी फ्राई कर लूँगी। सो इट्स ऑलमोस्ट रेडी गाइस, नाउ टाइम टू सर्व इट। मैंने केचप के साथ और लेमन और अनियन के साथ इसको सर्व कर ली है। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर हाँ तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू।